जिस समय जो सोचना चाहिए उसको ना छोड़कर कुछ और सोचना, वो भी चॉइस होती है। और उतनी देर में वो क्षण बीत जाता है, और हमने उस क्षण को जिस चीज़ के लिए चूज़ किया था, हम उस क्षण को उस चीज़ में सफल नहीं करते हैं। ये हमारी चॉइस है। हम अपनी चॉइसेस कितना सही ले पाते हैं, उससे ये प्रूफ होगा कि हमारा अपने मन बुद्धि पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर कितना राज्य है। राइट बात है? किस किस को लगता है कि हमारा हर व्यवहार हमारी चॉइस होती है, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं है? हर व्यवहार हमारी चॉइस होती है? किसको लगता है नहीं, हमारी नहीं होती है, दूसरे भी जिम्मेवार होते हैं? उन्होंने कुछ किया तब तो मैंने ऐसा व्यवहार किया, मेरी क्या चॉइस थी इसमें? क्या लगता है, चॉइस हमारी है या दूसरों पर निर्भर है? अभी देखो, ये पिछले आधे घंटे से मैंने 3-4 बार सब भाई बहनों को बोला, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनका मानना या ना मानना उनकी चॉइस है, लेकिन अगर वो ना माने क्योंकि उनके पास कोई रीजन है उसके लिए, तो उनको बोलना मेरी चॉइस है, उनका मानना ना मानना उनकी चॉइस है। लेकिन जब वो ना माने, उसके बाद क्या मेरे पास कोई चॉइस है? है या नहीं है? प्यार से पहले बोला, इतनी बार बोला मेरी चॉइस, उन्होंने सुना समझा नॉट भी किया, लेकिन जो उनको सही लगा वो किया, क्योंकि उनको भी पता है क्या सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका सही और मेरा सही मैच करे। राइट है? तो उनकी भी चॉइस सही है, मेरी भी चॉइस सही है, एटलीस्ट हम दोनों को लगता है कि हम सही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम दोनों की सही चॉइसेस मैच करें। राइट? अब सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन बताना कि उनको कहना मेरी चॉइस थी, उनका मानना या ना मानना उनकी चॉइस थी, और बार बार बोलने के बाद भी वो जब ना माने तो क्या मेरे पास कोई चॉइस बची? बुरा तो लगेगा ही ना, थोड़ा सा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बुरा लगना चाहिए या इरिटेट होना चाहिए मुझे, या थोड़ा घूर दो उनको यहां से स्टेज पर? आपको नहीं दिखेगा अगर मैंने उनको घूरा तो। क्या ये सब मेरी चॉइस है? क्या ये मेरी चॉइस है या उनके व्यवहार की वजह से मुझे वो करना पड़ता है, या मुझे करना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है उनके व्यवहार की वजह से? चॉइस है या अपने आप हो रहा है? किस किस को पिछले हफ्ते में एक बार गुस्सा आया था? 1850 लोगों को गुस्सा आया था, लेकिन जब ये पूछा कि पिछले हफ्ते में कोई गलत चॉइस हुई तो सबने हाथ नहीं उठाया। वो वाली चॉइस सही लग रही थी? अब इसी में दो ही ऑप्शन है, या तो वो गुस्सा करने वाली चॉइस ठीक लग रही थी, या तो ये लग रहा था वो मेरी चॉइस नहीं थी। आप डॉक्टर हैं ना, 1 मिनट पीछे जाएंगे, कौन डॉक्टर है? बाकी सब साइलेंस में आगे की तरफ देखेंगे, हमें फियर की एनर्जी नहीं रेडिएट करनी होती, ये भी हमारी चॉइस है। इकट्ठे मिलके एक संकल्प करें, वो शक्तिशाली आत्मा है, बोलिए आप शक्तिशाली आत्मा हो, बोलो उनको आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल निरोगी हो, स्वस्थ हो, फुल स्टॉप।
ये हमारी चॉइस है, चॉइस है। या हम कहें बीमार हुए तो परेशान तो होंगे ही, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, घबराएंगे तो ही। और जैसे ही हम वो चॉइस क्रिएट करेंगे, हमारी चॉइस का परिणाम क्या होगा? हमारे चॉइस का परिणाम क्या होगा? अभी सिर्फ सोचो, 1800 लोगों के बीच किसी की तबीयत को थोड़ा सा कुछ हुआ, वो तबीयत को थोड़ा ही हुआ होगा, देखो डॉक्टर वापस भी आ गए। देखा आपके संकल्पों की शक्ति, वो ठीक है? देखो जी, जितनी देर में संकल्प पूरे नहीं हुए, तब तक तो वो देख कर ठीक होकर वापस भी आ गए। इसका मतलब परिस्थिति आती है और परिस्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन उतनी देर में कौन हिल जाता है? उतनी देर में कौन हिल जाता है? हम हिल जाते हैं। और अगर इस समय 1800 लोगों ने डर क्रिएट या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, अब क्या होगा, क्या होगा, और अगर वो सारी एनर्जी क्रिएट कर दी होती और वो एनर्जी उन तक जाती, तो वो ठीक होने भी जो वाले थे 1800 लोग, अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचे तो ठीक होने वाला भी थोड़ा सा हिल जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन हम कहते हैं मेरी कोई गलती थोड़ी थी इसमें, वो बीमार हुए तो मेरे को चिंता तो होनी थी, ये सारा दिन घर पे चेक करना है, घर पे चेक करना है। वो ठीक है फरिश्ता? कौन था फरिश्ता वो? हाथ उठाओ आप ठीक हो। अच्छा बाहर चले गए, पर ठीक है, वेरी गुड। देखा, अब यही चीज हम घर पे कर सकते हैं, यही चीज हम घर पे कर सकते हैं। चाहे कोई शारीरिक रूप से बीमार है, चाहे कोई मन से परेशान है, चाहे किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई भी बात हो, हमारे पास चॉइस है कि हमने कैसा सोचना है, हमने कैसा बोलना है, हमने कैसा व्यवहार करना है। और जैसे दीदी ने बताया, चॉइस वो हो जिसका परिणाम क्या हो, वो परिस्थिति पहले से क्या होनी चाहिए? बेटर हो। लेकिन अगर हम ठीक से चूज न करें और उनकी चिंता में हम भी चिंता क्रिएट करें, उनके बीमारी में हम भी दुख क्रिएट करें, उनके मन परेशान है तो हम उनसे ज्यादा परेशान हो जाएं, तो वो हमारी चॉइस का रिजल्ट क्या आता है कि उनकी बीमारी और परेशानी क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। और वो बढ़ने का कारण कौन? उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ने का कारण कौन बताइए? मेरी चॉइस। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि सोचना भी हमारी चॉइस है, सोचना भी हमारी चॉइस है। तो कौन सी चॉइसेस अभी तक पूरे कंट्रोल में चल रही हैं? व्यवहार हमारी चॉइस है, व्यवहार हमारी चॉइस है, पक्का? किसी को भी लगता है कोई भी परिस्थिति में नहीं, बात ही उन्होंने ऐसी की तो मैंने ऐसे रिएक्ट करना ही था। वो रिएक्शन हम चूज करते हैं या वो अपने आप आ जाता है? उस दिन जब लास्ट गुस्सा किया था, चूज किया था गुस्सा करना या गुस्सा अपने आप आ गया था? अपने आप आ गया था। कब तक कोई चीज चॉइस रहती है और कब तक वो चॉइस नहीं रहती है, वो अपने आप आती है। जब वो चीज अपने आप होती है, तब वो हमारा संस्कार बन गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज सुबह उठ के चाय पीते हैं या कुछ भी, जो भी पीते हैं। किसी दिन आपने डिसाइड किया था वो पीना शुरू करना। जिस दिन आपने डिसाइड किया था, उस दिन आपने चॉइसेस एक्सप्लोर की थी कि मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी पीऊँ या नारियल पानी पीऊँ या नींबू पानी पीऊँ, और आपके मन ने डिसीशन लिया, बुद्धि ने डिसीशन लिया चाय पीनी है। पहले दिन आपने चूज किया चाय, दूसरे दिन आपने चूज किया चाय, 10 दिन आपने चूज किया चाय, 11वें दिन आप चूज नहीं करते। 11वें दिन आप क्या करते हैं? आप उस चाय पीने के संस्कार के थ्रू चलते रहते हैं। कोई आपसे पूछे भी अगर आकर सुबह कि आप क्या पियोगे, मतलब वो आपको चूज करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्या पियोगे, तो आप बोलते हो इसमें क्या पूछना है,
मतलब मुझे चॉइस का ऑप्शन क्यों दे रहे हो, आपको पता है ना मैंने क्या पीना है। मतलब जब हम एक ही चॉइस बार बार करते हैं कुछ दिनों के लिए, मन चॉइस क्रिएट करता है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है और थोड़े दिन के बाद वो हमारा बन जाता है संस्कार। आत्मा वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। मैं आत्मा तीन काम करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ तो उसको मन कहते हैं, जब मैं निर्णय लेती हूँ तो उसको बुद्धि कहते हैं, और जो मेरा निर्णय है वो कर्म में आता है। अगर मैंने बार बार वही निर्णय लिया और वही कर्म किया तो थोड़े दिन के बाद वो मेरा बन जाता है संस्कार। ये तीन चीजें आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार। इसलिए हम कहते हैं ये बड़े अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये महात्मा है, ये देव आत्मा है। आत्मा के ऊपर टाइटल होता है, किस आधार पर होता है, आत्मा के संस्कार कैसे हैं। लेकिन संस्कार बने कैसे, पहले मन ने चूज किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, बार बार रिपीटेड सेम निर्णय लिया, लूप में चला गया, संस्कार बन गया। एक बार संस्कार बन जाता है हम चूज करना बंद कर देते हैं, संस्कार अपने आप चलता है। अब 10 साल से आप चाय पी रहे हैं, एक दिन बैठे बैठे किसी ने आपको कहा पता है चाय के ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, आपको नहीं पीनी चाहिए, उस दिन आप पहले प्रोसेस प्लांट पे फिर से जाते हैं और चूज करने का प्रोग्राम फिर से शुरू करते हैं। अच्छा, अगर चाय नहीं पीना है तो क्या पीना है, तो आप अपने मन को फिर से ऑप्शंस देने के लिए कहते हैं, और फिर आपका मन कहता है नहीं चाय छोड़ो कॉफी छोड़ो हम नींबू पानी पियेंगे। जिस दिन आप एक नया ऑप्शन चूज करते हैं, चार लोग आपके आसपास कहते हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, चाय के बिना कैसे चलता है, सर दर्द होगा तुम्हारा, काम कैसे करोगे सारा दिन। तो पहले थोड़े दिन जब हम एक नई चॉइस करते हैं, कुछ लोग हमें उस चॉइस में सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हमारे शुभचिंतक, क्योंकि वो अपनी चॉइस के आधार से राय देंगे ना, क्योंकि उनसे चाय नहीं छोड़ी जा रही, तो वो कहते हैं छूटती नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, तुम बिना बात के अपनी तबीयत खराब नहीं करो, एक कप चाय से कुछ नहीं होने वाला, वो अपनी चॉइस सुनाते हैं। तो जब भी हम एक नई चॉइस स्टार्ट करेंगे ना, थोड़े से कुछ दिन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, इस संघ क्या कहता है, आसपास के लोग क्या कहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा मन और शरीर क्या कहता है, क्योंकि पहले दिन चाय पियेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, और अगर पहले से ही सोचा होगा डिस्कम्फर्ट तो होना ही है तो थोड़ा ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, ये भी डेफिनेट है। लेकिन उस दिन अगर आपकी बुद्धि निर्णय देती है कि नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, तो एक दिन आप उस डिस्कम्फर्ट को क्रॉस करते हैं, 2 दिन क्रॉस करते हैं, 4 दिन क्रॉस करते हैं, फिर कुछ दिन आपने नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी किया, तो थोड़े दिन के बाद नींबू पानी क्या बन गया, आपका संस्कार बन गया। उसके बाद आप चॉइस नहीं करते, उसके बाद आप चॉइस नहीं करते, उसके बाद आप अगले 10 साल तक नींबू पानी पियेंगे विदाउट चूजिंग, विदाउट चूजिंग, क्योंकि वो बन गया है आपका संस्कार। इसीलिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी चॉइस रिपीटेडली क्रिएट की तो थोड़े ही दिन में वो बन जाता है हमारा संस्कार, और जैसे ही वो बन जाता है हमारा संस्कार, हमारी लाइफ ऑटो मोड में चली जाती है। ऑटो मोड मतलब हम ऑटोमेटिकली उस संस्कार से चलते रहते हैं। जैसे पहले दिन गाड़ी चलाई, ध्यान से चलाई ना, पहले दिन गाड़ी सीख रहे हैं जब, तो कोई गाने सुनता है साथ में नहीं, किसी से बात करता है नहीं, क्योंकि उसका सारा अटेंशन किस पे है, गाड़ी चलाने पे है। थोड़े दिन के बाद वो गाड़ी चलाना उसका क्या बन गया, संस्कार। उसके बाद हम रेडियो भी सुन सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, बीच में फोन आया तो ईयरफोन पे उससे भी बात कर सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं गाड़ी चलाते हुए, फिर गाड़ी कौन चला रहा था। और ये सब करते करते हम सडनली ऑफिस पहुंच जाएंगे, तो अच्छा पहुंच गए, रास्ता भी नहीं देखते, क्योंकि वो रास्ता भी हमारा क्या बन चुका है, ऑटो मोड। आपको रुकना नहीं पड़ता डिसाइड करने के लिए, चूज करने के लिए, लेफ्ट टर्न करना है नहीं करना है, राइट टर्न करना है नहीं करना है, आपको चूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग में चला गया, आप अपने आप टर्न कर जाएंगे।
होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस दिन नए रास्ते जाना हो उस दिन कोई कहे ये कर, बोले चुप करो ना, मुझे ध्यान देने दो, मुझे नए रास्ते जाने, आज पहली बार जा रहे हैं वहां पर। अगर दूसरे देश जाकर गाड़ी चलाना हो जहां चलाने का रूल ही अलग है, आप फिर थोड़े दिन चाय नाश्ता नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस उस पे होगा, थोड़े दिन में वो बन जाएगा संस्कार। सो एवरी चॉइस, हर चॉइस कुछ ही दिनों में बन रही है हमारा संस्कार, और हमारा संस्कार हमारे कर्म में आता है, और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो हर चॉइस हमें कहाँ तक लेकर जा रही है, कहाँ तक लेकर जा रही है, भाग्य तक। तो इसलिए जब आपको कहा था कि लास्ट वीक चेक करो कि कोई चॉइस गलत हुई थी, इस बात के बावजूद कि हम सब ने गुस्सा किया था, और एक बार नहीं किया होगा, एक बार नहीं किया होगा, दिन में एक आधी बार तो किसका दिन में एक आधी बार हो ही जाता है, फिर भी हाथ नहीं उठाया। आज तो सच्ची में चेकिंग होनी चाहिए इस बात की, मतलब एक हफ्ते में 8-10 बार क्यों तो भी हाथ नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने चूज किया था गुस्सा करना, तो मैंने हाथ नहीं उठाया उसमें, क्योंकि वो गुस्सा कई बार करने से मेरा बन चुका है, मेरा बन चुका है संस्कार। लेकिन किसी न किसी दिन पहली बार मैंने चूज किया था गुस्सा करना, एक बच्चा पहली बार चूज करता है झूठ बोलना, चूज करेगा ना, उसके नंबर कम आए वो चूज करता है, बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारे ऑप्शंस उसका माइंड क्रिएट करता है, बता दे बाद में पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी, फिर माइंड कहता है नहीं नहीं बता दिया तो बड़ा मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, बहुत ऑप्शंस चलते हैं पहले दिन। लेकिन अगर उस दिन बुद्धि ने निर्णय लिया क्यों डांट खानी है, चुपचाप छोटा सा झूठ बोल सब ठीक हो जाएगा, तो पहली बार झूठ बोला उस बच्चे ने, फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई परिस्थिति आई झूठ बोला, फिर झूठ बोला, कुछ दिनों के बाद झूठ बोलना उसका क्या बन गया, संस्कार। एक बार संस्कार बन गया और परिस्थिति आई तो वो बच्चा सोचता नहीं है बोलूं नहीं बोलूं, वो उसका क्या बन चुका है, प्रोग्रामिंग। और एक बार वो हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है तो फिर हम ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी हमारे लिए झूठ बोलना सहज, और फिर इतना वो संस्कार बन जाता है कि कुछ लोगों के लिए लोग कहते हैं तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते, इतनी छोटी बात पे कौन झूठ बोलता है, कम से कम कोई बड़ी बात की तो वेट करो ना झूठ बोलने के लिए। लेकिन वो बात के अनुसार झूठ नहीं बोलते, वो संस्कार के अनुसार झूठ बोलते हैं, और धीरे धीरे वो संस्कार इतना स्ट्रांग बन जाता है, कहते ये तो बिना बात के झूठ बोलते हैं, बोलते हैं या नहीं कुछ लोग बिना बात के झूठ। ऐसे ही पहले हम बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे हमारा कड़क बनता है तो हम छोटी छोटी बातों पर करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम बिना बात के गुस्सा कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा वॉल्यूम ही इतना है, ये कोई गुस्सा नहीं है, इसको गुस्सा मत समझना, मतलब ये मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्या हमारा संस्कार हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार इज इक्वल टू कर्म इज इक्वल टू भाग्य।